डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग साइंस में फिजिक्स चैप्टर यानी कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार वाले चैप्टर यानी कि एक फिजिक्स का सेक्शन है। इस फिजिक्स वाले में हम लोग NCERT बुक को फॉलो करते हुए उसके लास्ट में जो प्रश्न उत्तर होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने 7 नंबर तक के डिस्कस किया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चंस को पढ़ना। 8 नंबर क्वेश्चंस क्या बोलता है, पहले उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट, 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है, सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको जानना चाहिए, और ये एकदम VVI क्वेश्चंस है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो मानव नेत्र है उसका न्यूनतम दूरी किस दूरी तक देख पाता है। याद रखिएगा, न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी होता है अनंत। ठीक है, अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकते हैं, अनंत तक के देख सकते हैं, लेकिन न्यूनतम दूरी कितना तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर तक के। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि आखिर क्या वजह है कि सामान्य नेत्र का जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर तक ही देख पाता है, ऐसा क्यों, इसका कारण बताना है कि 25 सेंटीमीटर से नज़दीक को हम लोग क्यों नहीं सुस्पष्ट देख पाते हैं। मतलब कि अगर कोई 24 सेंटीमीटर पर रखा है, कोई 20 सेंटीमीटर पर रखा है, तो हम सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। देखो, हम इसका जिक्र भी किए हैं जब हम लोग चैप्टर के पॉइंट्स में टॉपिक्स को कर रहे थे, कि अगर मान लिया कि अगर आप बुक में छपा कोई छोटा अक्षर है उसको आप आँख के बिल्कुल नज़दीक ला कर देखेंगे, धुंधलापन जैसा दिखाई देगा। इसका वजह क्या है, इसका वजह है कि आँखों में ज़्यादा तनाव हो जाता है, ज़्यादा टेंशन हो जाता है। आँख में पता है उत्तल लेंस होता है, और उस उत्तल लेंस को सिलियरी मांसपेशियाँ टांगे हुए रहती है, और उस सिलियरी मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा तनाव होने के कारण हम लोगों को नज़दीक का यानी कि 25 सेंटीमीटर कम की दूरी को देखने में प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है। तो इसका आंसर लिखा जाए, उत्तर, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, क्योंकि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकती है। पूर्ण विराम, इस दूरी को कम करने की कोशिश से आँखों पर तनाव बढ़ता है और वस्तु धुंधली दिखाई देती है। चलिए इस पे हम लोग, इसका वजह क्या है कि 25 सेंटीमीटर से कम रखा हुआ कोई वस्तु है वो क्यों नहीं दिख पाता है, तो इसका यही है कि अगर उससे कम अगर कोशिश करेंगे देखने का, तो आँखों में के नेत्र में जो है लेंस जो टंगा रहता है उस पर ज़्यादा तनाव हो जाता है, इसके वजह से हमें क्या दिखाई देगा, धुंधला नज़र आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन को नोट करेंगे, लिखा जाए, जब हम नेत्र से
किसी वस्तु की दूरी को, किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो, बढ़ा देते हैं तो नेत्र में, नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का, नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है, नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं, जैसे मान लिया हमारा नेत्र अभी फिलहाल यहाँ है, ठीक है, यहाँ है हमारा नेत्र और यहाँ पे कोई वस्तु है, वो वस्तु है, और जब इसकी दूरी को हम बढ़ा देते हैं, मतलब कि ये दूरी को अब हम यहाँ वस्तु को ले जाएंगे, तब बोल रहा है कि नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होगा, यानी कि वस्तु को जब हम बढ़ा देंगे, वस्तु दूरी को बढ़ा देंगे तो प्रतिबिंब का दूरी क्या होगा, क्या प्रतिबिंब हमारा बदल जाएगा। तो याद रखिएगा कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि हमारा नेत्र में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा हमारे नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमेशा रेटिना पर बनता है, और रेटिना बिल्कुल नेत्र के पीछे वाला भाग होता है। तो इसका सवाल ये बोल रहा था कि जब हम कोई अपने नेत्र से किसी वस्तु को देख रहे हैं और उस वस्तु को अगर दूरी बढ़ा दिया जाए, ठीक है, उस वस्तु को अगर दूरी बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा, तब हम लोग उस वस्तु की दूरी को बढ़ा देंगे तो क्या मतलब हम लोगों का प्रतिबिंब दूरी बढ़ या घट जाएगा। तो याद रखिएगा कभी नहीं बढ़ेगा, हमेशा वही का वही रहेगा, यानी कि समान बना रहेगा, क्योंकि हमारा जहाँ प्रतिबिंब बनता है वह भाग रेटिना है, और रेटिना को बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप वस्तु, आप किसी भी वस्तु को नज़दीक की वस्तु यानी कि 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक के देखिए, आपको प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पे ही बनेगा। ये बातें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। तो इसका आंसर लिखा जाए क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर लिखा जाए, लिखेंगे जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी समान होता है, नेत्र में प्रतिबिंब दूरी समान रहता है, पूर्ण विराम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर से कम होने पर, 25 सेंटीमीटर से कम होने पर वस्तु अस्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है जबकि 25 सेंटीमीटर से दूर, 25 सेंटीमीटर से दूर अनंत तक वह अस्पष्ट दिखाई देती है, वह अस्पष्ट दिखाई देती है। तो आपको जानना चाहिए कि हम अपना वस्तु दूरी को बढ़ाएंगे तो हमारा समान रहेगा प्रतिबिंब दूरी, ऐसा इसलिए क्योंकि 25 सेंटीमीटर से अगर कम हुआ तो हमको धुंधला दिखाई देता है, लेकिन 25 से लेकर अगर बात किया जाए तो अनंत तक के देखेंगे तो हमें आँख में धुंधलापन नज़र नहीं आएगा, यानी कि सुस्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन। और क्वेश्चन नंबर टेन ना दोस्त वीवीआई क्वेश्चन से, इसको बिल्कुल याद रखना है। सवाल बोल रहे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि तारे के टिमटिमाने का वजह क्या है। ठीक है, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो हम इसके बारे में बहुत अच्छे से डीपली नॉलेज लिए हैं, अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स करके लिखे हैं कि भाई क्या होता है ना कि हमारे वातावरण में छोटे छोटे धूल कण मौजूद होते हैं, और जब सूर्य की प्रकाश जब
सॉरी, वहाँ से प्रकाश जब तारे से प्रकाश जब निकलती है तो उसको धूल कण से टकराना पड़ता है, सिवाय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वो हमें क्या कैसे दिखाई पड़ते हैं, तिरछी किरणें हमारी आंखों पर पड़ती है, सिवाय कि हमें वो टिमटिमाते नज़र दिखाई पड़ते हैं। तो हालांकि इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, समझा है कि आखिर तारे का टिमटिमाने का वजह क्या है, कारण क्या है। चलिए अब इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। उत्तर, जब किसी तारे का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आता है तब वह पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित अनेक प्रकार के धूल कण से टकराता है अनेक प्रकार के धूल कण से टकराता है जिसके कारण तारे से आने वाला प्रकाश तारे से आने वाले प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारी आंखों में टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है, टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ, आपको जानना चाहिए कि जब ऊपर आसमान में जो तारे होते हैं, तारे से जो लाइट निकलते हैं, प्रकाश निकलते हैं, वो पृथ्वी के जो वायुमंडल है, वायुमंडल में अनेक प्रकार के गैस उपस्थित हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, उसके अलावा धूल कण भी, बहुत छोटे 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 धूल कण भी वातावरण में मौजूद हैं, और तारे से जो निकल रहा है प्रकाश वो हमारे सीधे आँखों पर न पड़कर पहले धूल कण से टकराता है, और इनकी जो प्रकाश किरणें होती है वो हमारी आँखों पर तिरछे पड़ती है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, इसके वजह से तारे होते हैं जो होते हैं वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा जाए, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ठीक है, चलिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये बोला जा रहा है कि आखिर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला रीजन तो ये है, तारे और ग्रह में, जैसे तारे जो हैं टिमटिमाते नज़र आते हैं, लेकिन सवाल बोल रहा है कि ग्रह जो हैं क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। सबसे पहले ग्रह जो है, यहाँ मान लो कि पृथ्वी है, ये जहाँ पर हम लोग रहते हैं, इससे कम दूरी पर आपको ग्रह मिल जाएगा। ये ग्रह, पृथ्वी से ग्रह की दूरी जो है बहुत ही कम है, सिवाय किसके, तारे के। पृथ्वी से तारे चूंकि बहुत दूर हैं, तो इनसे निकलने वाली प्रकाश बहुत सारी धूल कण से टकराता है, और सिवाय हमको टिमटिमाता हुआ नज़र आता है। तो इसका रीजन यही है कि भाई ग्रह का जो पृथ्वी से दूरी है वो बहुत कम है तारे की अपेक्षा, इसलिए तारे जो हैं टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह जो है नहीं टिमटिमाते हैं। तो पहला तो रीजन ये हुआ कि ग्रह जो है हमारे पृथ्वी से बहुत पास है, और दूसरा बात कि तारे जो हैं हमसे बहुत दूरी पे हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि ग्रह जो है बिंदु आकार के होते हैं या स्रोतों से मिलकर बना होता है, लेकिन तारे जो हैं बहुत अप आकार, यानी कि तारे का आकार बहुत बड़ा है लेकिन ग्रह की आकार उनके अपेक्षा छोटी है। तो याद रखिएगा, जैसे मान लिया कि कोई जहाज़ को आप देखे होंगे, जैसे ही जहाज़ धरती पर उतरता है वो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आसमान में जाता है एक चील जैसा दिखता है, एक कौवा जैसा दिखता है, एक छोटा हो जाता है। तो याद रखिएगा कि कोई भी वस्तु जितना दूर जाएगा ना, उसका आकार जो है उतना ही छोटा हमको दिखाई देता है। इसलिए तारे बहुत छोटा दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि तारे जो हैं बहुत छोटा है, ये ग्रह से भी या सूर्य से भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि बहुत छोटा दिखाई देता है ना। और सूर्य जो है हमको
तारे अगर इतना बड़ा दिखाई देगा तो सूर्य इतना बड़ा होता है, यानी कि सूर्य से भी बड़ा है कौन? तारा, क्योंकि वो बहुत अधिक दूरी पर है इसलिए हमें छोटा दिखाई देता है। तो याद रखिएगा कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है, इसका व्याख्या करना है। लिखा जाए इसका आंसर 11 का, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है तथा बिंदु आकार के स्रोतों से मिलकर बना है, तथा बिंदु आकार के स्रोतों से मिलकर बना है पूर्ण विराम, दूरी कम होने के कारण वायुमंडलीय परिवर्तन शून्य हो जाता है, वायुमंडलीय परिवर्तन शून्य हो जाता है, अतः ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, अतः ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहला कि तारे बहुत दूर हैं इसलिए इनसे निकलने वाला प्रकाश को बहुत धूल कणों से टकराकर वायुमंडलीय अपवर्तन का सामना करना पड़ता है, लेकिन ग्रह जो है हमारे पृथ्वी के आसपास हैं इसलिए इसको टकराने का जरूरत नहीं है, इसको हम लोगों को सही सही मायने में हम इसको देख पाते हैं इसलिए ग्रह जो है नहीं टिमटिमाते हैं। तो याद रखिएगा ये प्रश्न जो है, इस एक्सरसाइज का दो और प्रश्न रह गए हैं, तो इस दोनों प्रश्नों को हम अगले दिन डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।